चौमू में निकली नकली दवाओं का कारोबार, ड्रग्स इंस्पेक्टरों की टीम ने पकड़ी गड़बड़ी, दुकान का लाइसेंस रद्द। चौमू शहर में नकली दवाओं का कारोबार चल रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब ड्रग्स कंट्रोल के निर्देश पर मेडिकल स्टोर पर जांच की गई। ड्रग्स इंस्पेक्टरों की टीम ने चौमू शहर के बस स्टैंड स्थित गणपति मेडिकल एवं जनरल स्टोर पर छानबीन की तो नकली दवाओं के क्रय विक्रय के बिल और दुकानदार की संलिप्तता पाई गई। इस पूरे मामले को लेकर ड्रग्स कंट्रोलर अजय फाटक के निर्देश पर दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई को सहायता औषधि नियंत्रण सुभाष चंद्र ने अंजाम दिया है। सुभाष चंद्र ने बताया कि मेडिकल दुकान पर नकली दवाओं के कारोबार की शिकायत मिली थी। इस शिकायत के आधार पर गणपति मेडिकल की दुकान पर मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो खरीदने बेचने के दौरान नकली दवाओं का कारोबार करने की मिलीभगत पाई गई। पूरे मामले की जांच की गई तो गणपति मेडिकल स्टोर पर दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया।